नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। सालों पहले मैंने ये सुना था कि ललिता सहस्त्र नाम के अंदर ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें सुलझा पाना, डिकोड कर पाना, अनलॉक कर पाना तभी संभव होता है जब आप अपने साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ललिता सहस्त्र नाम में। महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महाशना महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। यहाँ पे माँ को जो तीन नाम दिए गए हैं, महायंत्रा, महातंत्रा और महामंत्रा, जो हम मंत्र तंत्र और यंत्र की बात करते हैं तब काफी बार ये एक आर्गुमेंट हो जाती है कि कौन सी पद्धति साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तभी जो मांत्रिक होते हैं, जो मंत्र साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए मंत्र साधना का मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। जो तंत्र कर रहे हैं, जो दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार या फिर किसी भी प्रकार के तंत्र से विधि विधान के साथ, बाह्य द्रव्य के साथ, पदार्थों के साथ माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको भोग दे रहे हैं, उन्हें तंत्र मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ लगता है। लेकिन जो माँ की उपासना या फिर अन्य किसी देवी देवता की उपासना यंत्र के माध्यम से करते हैं, यानी कि उनके जो 2D फॉर्म है, उनके देवी देवताओं के, उनके माध्यम से जो उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनको यंत्र का मार्ग सर्वश्रेष्ठ लगता है। लेकिन जब आप एक संपूर्ण आस्पेक्ट के साथ, संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसे देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि महायंत्रा भी माँ है, महातंत्रा भी माँ है और महामंत्रा भी माँ है। यानी कि यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीनों मार्ग से माँ का अर्चन किया जाता है, माँ की साधना की जाती है और इसके बाद महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी। ये श्लोक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। हम एक बार ध्यान से सोचे तो हमें पता चलेगा कि ये शास्त्रों का वचन है, शास्त्रों में बताया गया है, स्पेसिफिकली पुराणों में और वायु पुराण में, जहां पे हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं कि ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को कैसे, उनका निर्माण किया, कैसे सृष्टि का विनाश होता है, वो पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, पूरी प्रोसेस क्या रहती है, उसके बारे में वायु पुराण में हमें बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में उल्लेख मिलता है। वहां पे ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जो आधा दिन है, जो उनकी सुबह है, वो होता है उनका आधा काल, और उनको उनका जो रात्रि काल होता है उसे कहा जाता है आधा काल। यानी कि भगवान ब्रह्मा का जो पूरा एक दिन रहता है वो एक कल्प माना गया है उसे। ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूर्ण होते हैं अपने जीवन के, तब सृष्टि का और त्रिदेव का तो एक लीला समाप्त हो ही जाती है, लेकिन जो ब्रह्मा बार बार सृष्टि का निर्माण करते हैं वो प्रतिदिन करते हैं। ब्रह्मा जी का आधा कल्प जो रहता है वो हमारे यहाँ के करोड़ों बिलियंस ऑफ ईयर्स हम कह सकते हैं, और फिर उनके जब आधे और कल्प के बाद, यानी कि रात्रि काल में जब वो अपना पूरा सृष्टि का काम समेटते हैं, यानी कि विनाश शुरू हो जाता है, प्रलय शुरू हो जाता है, उस वक्त पे वापस पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस तरह 100 साल तक ब्रह्मा पुनः निर्माण और विनाश की प्रक्रिया, यानी कि सृजन और विनाश, ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ पूरे दिन, ब्रह्मा के पूरे दिन तक ये चलती रहती है। सुबह निर्माण होता है, शाम को प्रलय आता है। ऐसे 100 साल जब बीत जाते हैं, 100 ईयर्स जब खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, उस वक्त पे ब्रह्मा जी का एक आयु काल समाप्त होता है, और उस वक्त पे त्रिदेव यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देव का आयु काल समाप्त होने पर त्रिदेव के साथ पूरा ब्रह्मांड पुनः ललिता महात्रिपुर सुंदरी में एकाकार हो जाता है, एक रूप हो जाता है, और इसी का सूचक है ललिता सहस्त्र नाम का ये पर्टिकुलर श्लोक। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी। माँ महात्रिपुर सुंदरी, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश,
के साकार स्वरूप के प्रागट्य के पीछे, उनके प्रादुर्भाव के पीछे जिम्मेदार वही माँ अंतिम समय में, यानी कि जो एक महाकल्प पूर्ण हो जाता है उस वक्त पे आरंभ करती है महातांडव की प्रक्रिया। तांडव हम सबने सुना, जब भगवान महादेव सृष्टि का विनाश कर रहे होते हैं उस वक्त पे वे तांडव करते हैं, जिन्हें कहा गया संहार तांडव। संहार तांडव के माध्यम से पूरी सृष्टि वापस से एक लय में आ जाती है, और जो पुनः जो प्रलय की प्रक्रिया है जहां पे आदि शक्ति और महादेव स्वयं एक दूसरे के साथ एकाकार होके निराकार स्वरूप में एक हो जाते हैं, यानी कि संपूर्णतया फॉर्मलेस हो जाते हैं, उसे कहा गया है प्रलय। लेकिन जब महाकल्प की पूर्णाहुति हो जाती है उस वक्त पे स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती, ये सारे देवताओं का एक रूप हो जाना होता है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ। इसीलिए माँ को नाम दिया गया है महातांडव साक्षिणी, जो एकमात्र देवी महातांडव की साक्षिणी रहती है, जिन्होंने महातांडव को अपनी आंखों से देखा हुआ है, जिनके अंदर स्वयं त्रिदेव और त्रिदेवियां विराजमान हो जाती है महातांडव के वक्त, उन्हें कहा गया है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। ये जो एक रहस्य की बात है वो अगर आप ध्यान से आस्था के साथ ये पूरा ललिता सहस्रनाम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। आज तक हम तांडव सिर्फ यही मानते थे कि सृष्टि में एक बार तांडव होता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन स्वयं भगवान का आयु काल, उनका एक जीवन जब समाप्त हो जाता है उस वक्त पे ललिता महात्रिपुर सुंदरी आके महाप्रलय का निर्माण करती है, महातांडव का निर्माण कर रही होती है। इसी कारण से माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या को हम भारत की सर्वोच्च तंत्र विद्या कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शास्त्रास उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही कृष्ण है, कृष्ण ही ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, महादेव जो सदाशिव है वो भी ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही है, सबको आखिर में ललिता महात्रिपुर सुंदरी के अंदर ही समाना होता है। और वही माँ फिर आगे जाके सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी, फिर से एक नया चक्र शुरू होता है, नवनिर्माण का समय शुरू होता है। ब्रह्मा के रूप में आकर माँ स्वयं सृष्टि का निर्माण करती है, गोविंद के स्वरूप में आकर माँ सृष्टि का पालन करती है, और रुद्र के स्वरूप में आकर माँ संहार भी करती है। और जब संहार के बाद सृष्टि की नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी होती है उस वक्त पे माँ सारी चीजों की व्यवस्था करके जिन भी देवी देवताओं की शक्तियों की ऊर्जाओं की जरूरत है उन्हें विद्यमान कर देती है। आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी अगर कमेंट सेक्शन में आप अपने कोई विषय हमें देना चाहते हैं तो अचूक बताइएगा, ताकि हम उस विषय के ऊपर अलग अलग प्रकार के वीडियोस बना पाए। थैंक यू। ओम श्री मातरे नमः।